यथा सूर्यस्य कांतिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। हम लोग जो बातचीत करेंगे वो करेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या बातचीत करते हैं। इस समय ये मान लीजिए कि मैं कृष्ण हूँ, आप अर्जुन हो, सबके सब, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो एक एक चीज़ का मर्म समझने की कोशिश करना। समझ में आए नोट करना, लिखना, नहीं समझ में आए तो इसको सुनना बार बार, ठीक है ना। ये तो रिपीट होता रहेगा आपके उस पर यूट्यूब पे, उस पर रिपीट होता रहेगा। ये बड़ा सुखद सौभाग्य है कि आज माँ शैलपुत्री का अवतरण दिवस है। आज तीन क्या है, 3 अक्टूबर है, और आज से लेकर 11 बारह तक पूरी नवरात्रि चलेगी। और मैं आपके बीच में 11 तारीख तक आता रहूँगा और सुनाता रहूँगा अपनी बात। इससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ ज्ञान की बातें ऐसी जो आपने शायद अभी तक सुनी नहीं होंगी वो होंगी सारी की सारी। जितने लोग आए हैं यहाँ बैठे हैं मैं उन सब का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सबको कि आप इतने इस कष्टकारी परिस्थितियों में भी आप लोग आए और यहाँ बैठे। कई लोग बाहर से आए हैं, कई लोग विदेश से आए हैं, और कई लोग यहाँ जो बैठे हैं वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और सभी बैठे हैं, सबको खूब खूब मंगल कामनाएँ, नवरात्रि की मंगल कामना, अश्विन नवरात्रि की मंगल कामना। इस मंगल कामना से पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे, राम और श्री राम एक हैं दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक रामायण सुना, एक तरह की रामायण दोहराई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। में जन्मे थे ऋषिकेश तप साधा, राम अयोध्या में जन्मे थे ऋषिकेश तप साधा, बलाति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा, बलाति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा, प्रदूषण त्रिशिरा बलि बध कर ठकुराई दिखलाई, खरदूषण बल बज कर ठकुराई दिखलाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों
खेड़ा में जन्मे तप किया हिमालय जाकर। मावल खेड़ा में जन्मे तप किया हिमालय जाकर। या जागरण कुंडलनी का जौ की रोटी खाकर। या जागरण कुंडलनी का जौ की रोटी खाकर। किस हुकूमत मार भगाने की थी कठिन लड़ाई। ब्रिटिश हुकूमत मार भगाने की थी कठिन लड़ाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। जन्मे कलयुग में धर्म कर्म सब भूले। राम जब धर्म कर्म सब भूले। वह साहित्य लिखा जो मानव के भी मन को छूले। वह साहित्य लिखा जो नास्तिक के मन को भी छूले। वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की ज्योति अखंड जलाई। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की ज्योति अखंड जलाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान लवाई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान लवाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, सुनो रे संतों, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सभी कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में। प्रार्थना ये कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आप जो आए हैं वो आए नहीं हैं, वो बुलाए गए हैं। बुलाए गए ना, तो तुम लोग आए हो। तब जो लोग नहीं आए उनको बोलना कि हमको तो बुलाया गया था, हम तो गए, तुम लोग क्यों नहीं गए, उनको भी लेके आना कल, ठीक है ना। 9 दिन तक चलेगी कथा। आज हम 2024 की शारदीय नवरात्रि में एक ऐसा प्रसंग लेंगे जिसमें भगवद गीता के 18वें अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय, ये मेरी किताब मेडिकल के दिनों में खरीदी गई थी, तो आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण होगी मेरी किताब। 18वें अध्याय के कुछ गहरे प्रसंग हैं और वो उन प्रसंगों को हम यहाँ चर्चा करेंगे। गीता का उपदेश सार और गीता की महिमा आज का विषय है। गीता का उपदेश सार और गीता की महिमा।
प्रत्येक श्लोक एक मंत्र की तरह से है और इसमें बहुत गहरे अर्थ हैं, मर्म हैं, लेकिन 18वां अध्याय इसका अंतिम छोर है और सबका निष्कर्ष, 18 अध्याय का निष्कर्ष। इस 18वें अध्याय में आज हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि प्रतिजाने, मामे वैश्यसि प्रतिजाने, प्रियो असि मे, तू मेरा प्रिय है इसलिए तू इसको सुनने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर। गीता समाप्त होने को आई है, अब मैं 18वें अध्याय 18वें श्लोक पे आ गया हूँ, तो तू इसको समझने की कोशिश कर। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अभी तक नहीं समझ पाया हो तो अब समझ ले, आप लोग भी अभी तक समझ नहीं पाए हो गीता को, तो आज इस श्लोक से समझने की कोशिश करना, तो इसके बाद जो 9 दिन में व्याख्या और होंगी उनको भी देखना। भगवद गीता का सार उपदेश है इसके अंदर, अगर इसी श्लोक को हम आचरण में ले लें तो समझो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता हमने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिए। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में, हमारे जीवन में गीता समा जाएगी अगर इसको आपने समझ लिया तो। जितने बच्चे बैठे हैं, जितने यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं हमारे टीचर्स, शिक्षक सभी, अगर उनको समझना है तो आज इस श्लोक के माध्यम से मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन्मना भव मेरा 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 शिष्य बन जा, मद्भक्तो मेरा भक्त बन जा, मद्याजी मेरे में मन को लगा, माम नमस्कुरु मेरे को नमस्कार कर। क्या ये सब कर नहीं रहा था अर्जुन? कर रहा था, पर भगवान गहराई से समझाते हैं। मामे वैश्यसी, तो मेरे अंदर निवास कर, मेरे अंदर निवास कर। प्रतिजाने, तो अगर समझ पाया इस बात को तो प्रियो असी, तू मेरा प्रिय होगा और मैं तुझे सारा ज्ञान दूंगा। भगवद गीता को आत्मसात करने का महामंत्र है। आप में से कोई भी अगर गीता पढ़ने का शौकीन है, मैं तो बचपन से शौकीन था गीता पढ़ने का और मर्म को जीवन में उतारने का, तो आपके मन में भी जीवन में ये आ जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें, हम इस श्लोक को पढ़ें। बस इस श्लोक को पढ़ने से आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति आएगी और वो क्रांति आपको बदल देगी। भगवान कहते हैं तू मुझ में मन वाला हो, मन मना भव मद भक्तो मेरा भक्त बन, मद्याजी मेरे को भक्त बनने मेरा यजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती, भगवान की प्रतिज्ञा आशीर्वाद होती है, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान क्लियर कर देते हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूँ तुझसे। इस श्लोक के निहितार्थ की, इसकी गंभीरता को, इसके एक एक पक्ष को हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पहला बिंदु है मन्मना भव मद्भक्तो, मुझ में मन वाला हो। मन्मना भव, मन मना भव, मेरे में मन लगा तू। आप लोग पढ़ते हो तो आपको टीचर्स नहीं बताते कि मन्मना भव, मेरे में मन को लगाओ, मेरी जो पढ़ाई है मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मन्मना भव, मुझ में मन वाला हो। मन क्या है? अगर हम भगवान को मन देते हैं तो फिर मन क्या करेगा? मन का विषय है कल्पना, मन का विषय है विचार, मन का विषय है स्वप्न, ये सब मन के विषय हैं। कल्पना, विचार और स्वप्न, ये आरोह अवरोह की तरह से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसकी प्रत्येक तरंग, मन का प्रत्येक स्पंदन ईश्वर के लिए हो, ये कह रहे हैं भगवान। मनमना का मतलब मेरे में, मतलब भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे से मतलब भगवान से है, भगवान से मन में मन लगा, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए।
और फिर दूसरा बिंदु है मद भक्तो, मेरा भक्त बन। हम क्या समझते हैं मद भक्तो, मतलब भगवान की पूजा करना शुरू करते हैं। हम तो करते हैं, भक्त तो हैं ही हम भगवान के। गुरुदेव कहते हैं मेरे भक्त बनो, तो गुरुदेव का मतलब ये नहीं कि मेरे भक्त बनो। गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे विचारों को जीवन में उतारो, बस ये है, मेरे विचारों को जीवन में उतारो। भक्त भावना का विषय है, मनमना भव मद भक्तो। मद भक्तो जब कहते हैं तो भक्त भक्त जो है विचारों के विषय में डूब जाता है। भावना क्या है, इसके क्रियाकलाप कैसे हैं, भावना कैसी है? श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, ये तीन मिलकर भावना बनाते हैं। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, जिसे भगवान कहते हैं मद्याजी। और तीसरा है मन मद भक्तो मद्याजी, मेरे में यजन कर, मेरे में यजन कर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मद यानी मुझे, याजी यानी मेरा यजन कर। मेरे को तू यजन करके मेरे को जीवन में उतार। भगवान हमेशा गीता में कहते हैं ये यजन हमारे कर्मों से होना चाहिए। यजन वो नहीं जो यज्ञ की सामग्री आ गई है और यज्ञ हम कर रहे हैं, वो नहीं। यज्ञ यजन का मतलब है हमारे कर्म बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, हम कर्मों से करें यज्ञ, अपने कर्मों को विधिवत व्यवस्थित करके करें। आज अनेक लोगों को अनेक तरीके से संबंधित किया जाता है, हमारे कर्म बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, हमने कर्मों को भावनाओं के धागे से जोड़ा नहीं है। हमारे कर्म कई वैरायटी के कर्म हैं, उनको हम भावनाओं के धागे से जोड़ें आपस में एक दूसरे के साथ, तो हमारे कर्म एकजुट हो जाएंगे। पूजन अर्पण यानी प्रत्येक कर्म के समर्पण के लिए भगवान कहते हैं ये सब मुझ में हो, मुझसे जुड़े हो, जुड़ा हुआ हो। फिर चौथे बिंदु में कहते हैं माम नमस्कुरु। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा। माम नमस्कुरु, मुझको नमन कर। हम नमन तो हम करते ही, तो आप तो हमें भी नमन करते हो, हम गुरुदेव को नमन करते हैं, माता जी को नमन करते हैं। नमन ये नहीं, मेरे लिए झुक। भगवान कहते हैं मेरे लिए झुक, झुकना सीख। एक महत्वपूर्ण बात है, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए झुक। बड़ा कठिन तत्व है नमन करना, बड़ा मुश्किल है। कई बार हम लोग जाते हैं, जैसे हम पिताजी के साथ जाते थे कई बार, किसी संत के यहाँ, पुजारी अच्छे बड़े ऊंचे पहुँचे हुए व्यक्ति के यहाँ, तो गुरु पिताजी पहले समझाते थे तुम झुक के प्रणाम करना। तो हम ऐसे झुक जाते थे, तो गुरुदेव कहते झुक, नीचे झुक, पाँव पकड़ उनका। तो हमको समझ में नहीं आता था उनके पाँव में क्या तकलीफ है, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे समझूँ इस बात को। फिर पिताजी ने समझाया, झुकने का मतलब होता है प्रणाम करो, नमन करो। नमन करना बड़ा कठिन तत्व है, बड़ा कठिन तत्व। आज की पीढ़ी जो कॉन्वेंट में पढ़ती है और जो अलग अलग ढंग से आज की दुनिया में रहती है, वो झुकने की जब बात आएगी तो नहीं झुकेंगे। क्यों, हमें नमस्कार नहीं करना है? भावनाओं के धागे से हमने जोड़ा नहीं है। यदि हम नमन कर लेंगे तो नमन करना इसलिए कठिन तत्व है क्योंकि अहंकार झुकना नहीं जानता। सबसे ज़्यादा कठिन है हमारा अहंकार। अहंकार हमारे रास्ते में आता है, अहंकार हमें रोकता है, हमें झुकना नहीं जाता। नमन का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, नमन का अहंकार का विसर्जन, अहंकार का विलय, अहंकार को तिलांजलि दे देना, समाप्त कर दो। फिर कहते हैं मामे वेश्यसी, अगला चौथा वाला बता रहा हूँ, मुझे प्राप्त होगा, तू मेरे पास रहेगा। भगवान कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, तू अगर इतना करेगा तो तू मुझे प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा, मेरे पास रहेगा। मामे वेश्यसी का मतलब है ईश्वर में वास करना, ईश्वर में निवास करना। सत्यंते, इस बात को अनर्गल मत लेना, ये मत सोचना कि ऐसे कह दिया भगवान कृष्ण ने, ऐसे कह दिया, युद्ध में खड़े हैं तो उनके मुंह में ऐसे आ गया वाक्य, उन्होंने बोल दिया, नहीं ऐसी बात नहीं। सत्यंते,
इसको सत्य मानना, सत्य को स्वीकार करना, इसमें कोई भी झूठ नहीं कहा जा रहा। प्रतिज्ञान, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रतिज्ञान, ये निश्चित रूप से जान ले कि ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञान यानी मेरी प्रतिज्ञा है, इसको मेरी प्रतिज्ञा मान लेना कि मैं तुझे, तू इतना करेगा, चार पांच जो प्रोसीजर बताई मैंने, ये इतना करेगा तो तुझे तेरा उद्धार हो जाए। भगवान कहते हैं ये ईश्वर वचन है, ये भगवान का संकल्प है, ये तुम भी समझ लो। अंत में लास्ट है, प्रियोवसी में, ऐसा करने वाला, जीवन की दिशा को मोड़ने वाला, अपने जीवन की धारा को मोड़ने में सक्षम है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है और हमेशा प्रिय रहेगा, मेरे हृदय में निवास करेगा। जब भगवान इतना बढ़िया शर्त दे रहे हैं तो आप ये पांच छह चीज़ें, सात चीज़ें मान लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे विशेष सत्यम ते प्रतिजानी प्रिय जोमी। भावनाओं की डोर भगवान से और भक्त का प्रेम। इस श्लोक में भगवद गीता के मंत्र में आठ बातें हैं। पहली बात मनमना भव, दूसरी बात बोलो बोलो, तुम अभी अभी सुनाया, मत भक्तो। तीसरी बात मध्याजी, चौथी बात, पांचवी बात मामे वेश्यसि, छठी बात, सातवीं बात, नहीं किताब देख सकते हो, कॉपी देख सकते हो, अपने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी बातें तुम लोगों ने कभी सुनी नहीं होंगी ना एक साथ। ये सात जो चीज़ें हैं, आठ जो बातें हैं भगवान ने सुनाई हैं और युद्ध भूमि में सुनाई हैं अर्जुन को। मैं लगभग 2003 से सुना रहा हूँ, गीता सुना रहा हूँ 2003 से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी कहता हूँ तो ये बात सारी अर्जुन और कृष्ण की आपस के टच के माध्यम से है, जो आपस में इनका स्पर्श होता है उससे बात आती है। ये आठ बातें भगवान ने कही हैं, श्लोक अपने आप में संपूर्ण रूप से योग की संपूर्णता लाता है। योग तुम्हारा संपूर्ण तब होगा जब तुम झुकना सीख जाओगे, हैं, यूँ कर लोगे। नहीं, योग वो नहीं है, तो योग अष्टांग योग है और वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो योग नहीं है। योग कौन सा है? ये आठ चीज़ें योग हैं, ये आठ चीज़, इन आठ चीज़ों को जो जीवन में उतारेगा उसका योग संभव होगा। ये अष्टांग योग है जिसको मैं कह रहा हूँ, ये अष्टांग योग हमारा जीवन चेतना को शुद्ध करने के लिए, प्रबुद्ध करने के लिए भगवान ने ये रूपांतरित करने के लिए एक अष्टांग योग का पथ खोला है इस श्लोक के माध्यम से। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग हो, चाहे भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग हो, चाहे सारा तत्व और चाहे इन पतंजलि का वो योग हो जो कि वो कराते हैं, सब के सब इसमें समाये हुए हैं। हमारे सामने जीवन में तीन बातें हैं, तीन बातें। पहली, जीवन हमारा तीन रास्तों पर चलने में सक्षम है। हम कर्म पथ हैं, हम विचार पथ हैं, भाव पथ हैं। हम कर्म पथ पे हैं, हम विचार पथ पे हैं, हम भाव पथ पे हैं। तीन हमारे पास ये तीन ही संपदा हैं। भगवान ने हमें ये तीन संपदा दे के भेजा है, हमारे माँ बाप ने हमें ये तीन संपदाएँ दी हैं, कर्म संपदा, भाव संपदा और विचार संपदा। ये तीन संपदा हमें दी हैं, इन तीन का हम कैसे सही उपयोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है पूरा कि किस तरह से आप इसका उपयोग में लाते हैं। हमारे पास तो तीन ही बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व और हमारा अस्तित्व गतिशील है, क्रियाशील है और जीवंत है, ये तय करते हैं। अब ध्यान रखने की बात है, जब भगवान से बात करते हैं तो इसके क्रम पर हमें विचार करना पड़ेगा, कर्म के पकने पर क्या होगा। कर्म परिपक्व नहीं होता, कर्म हमारा अधपका रहता है। हम जब कर्म करते हैं तो हमारे कर्म अधपके रह जाते हैं और इसी की वजह से हमारा पुनर्जन्म होता है। जैसे जैसे जहाँ छूटेगा
वहाँ वहाँ हमारा पुनर्जन्म होगा। कच्चा होता कर्म का पकना, कर्म का सच कच्चा होना क्या है, उसमें बहुत मलिनताएँ रहती हैं। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, और मक्खन से क्या बनता है घी, और मक्खन को खोलाते हैं तो मक्खन में क्या होता है, बहुत सारा मेल आ जाता है ऊपर, और उस मेल को जब हटाते हैं तो जो तैयार होता है वो कहलाता है शुद्ध घी। ठीक है ना, मैंने तीन चार बातें बताई, समझ में आई कि नहीं तुमको? दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से मक्खन को खोलाते हैं तो मक्खन में बहुत सारा मेल, उस मेल को हटाते हैं तो घी तैयार होता है। वो एक लोगों ने वहाँ घी, नकली घी में वो बनाए लड्डू, आपको मालूम है ना घटना मालूम है, लड्डू बनाए, वो लड्डू बना के खिला दिए लोगों को, उसमें क्या था, गाय की चर्बी मिली हुई थी। कल्पना करो, किसी को प्रसाद न देना अच्छा है बजाय उसके कि आप उसको एक अशुद्ध प्रसाद दें। और वो घटनाक्रम जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट कोई भी हो, कुछ भी डिसीजन ले ले, पर असली बात यह है कि इससे उन लोगों को मिल गया एक प्रकार का पाप जिन लोगों ने ये सब किया। तो ये जो है घृत जो हमने बनाया, शुद्ध घृत, शुद्ध घृत, इस कर्म में बहुत सारी बातें हैं, हमारे कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। कर्म में आसक्ति आ जाती है, अहंकार आ जाता है, कई मलिनताएं आ जाती हैं। कर्म में आसक्ति, अहंकार और कई मलिनता, कर्म के पकने पर हम सही अर्थों में विचारशील होते हैं। हमारे बड़े अच्छे सज्जन हैं, विचारशील हैं, आप इनका परिचय कराते हैं उनका, मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ हम परिचय कराते हैं, विचारशील हैं, बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं, पर वास्तव में मलिनताएँ जो हमारे अंदर हैं वो हमारे कर्म को दूषित कर देती हैं। कर्म के पकने पर हम विचारशील होते हैं, विचार के पकने पर हमारे विचार पक जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे भाव पूर्ण होते हैं, और जब भाव हमारे पक जाते हैं तो हमारी भक्ति पैदा होती है। विचार से भाव, भाव से भक्ति, हमारे जैसे ही हमारी भक्ति पकती है तो हम फिर सही अर्थों में फिर दिखावे के लिए नहीं करते, फिर तो हम भगवान को प्यार करते हैं और प्यार करके उनके हो जाते हैं। कर्म पके बिना मन भी हमारा अधपका रहता है, और विचार पके बिना भाव अधपके रहते हैं, और भाव पके बिना भक्ति की गुंजाइश नहीं रहती। कर्म पके बिना मन हमारा अधपका, विचार पके बिना भाव अधपके, और भाव पके बिना भक्ति की कोई गुंजाइश नहीं। बड़े भक्त हैं सावित भक्त, क्या क्या भक्त हैं बताओ? भक्ति तब होती है जब आप भक्ति को अंदर से पकाते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं। जब इस छोर छोर पर हम पहुंचते हैं और लगता है कि जब सब कुछ पक गया है तो भक्ति, भक्ति पकने पर समर्पण, फिर समर्पण हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। भगवद गीता एक अनुपम ग्रंथ है, ये ग्रंथ मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसने इसको हृदयंगम कर लिया, जिसने इसको पी लिया, जिसने इसके अमृत को ले लिया, उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवद गीता सबसे नहीं कहनी चाहिए, गीता तो अब बाज़ार में ही मिलती है, ऐसा कहते हैं गीता तो बाज़ार में मिलती है, और भगवद गीता सबको नहीं कहना चाहिए। बाज़ार में मिलती है तो क्या हुआ, जब हम पुस्तकों में जब ये कहते हैं कि बड़ी गोपनीय बातें हैं, तू मुझे प्रिय है इसलिए मैं तुझे सुना रहा हूँ, गोपनीय तो हैं, भगवान सुना रहे हैं, लेकिन सुनना और पढ़ना और समझना अलग बात है। जिसने सुन लिया, पढ़ लिया और समझ लिया, ये दूसरी बात है, समझ में बहुत कम आती है। गीता, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाथ ईमानदारी से ऊंचा करना, कितने लोगों की समझ में आई गीता? तीन चार हाथ उठे हैं। जर्मनी के एक विद्वान हुए हैं, मैं उनका नाम बताता हूँ, आप लोग जानते हैं उनको, शोपेनहावर। गीता के बड़े प्रेमी थे, उपनिषदों के बड़े प्रेमी थे, और पॉल ड्यूसेन और शोपेनहावर ये उपनिषदों के बड़े प्रेमी विद्वान थे।
दो तीन नाम लूँगा, उनके नाम ना याद रहे कोई बात नहीं, पर शोपेनहावर का नाम याद रखना। और शोपेनहावर ने गीता को जीवन में उतारा था। पहली बार जब भगवद गीता देखी तो आनंद के आस्तिक से वो नाचने लगे। ऐसा क्या मिल गया उनको? उनका कहना था, मैंने कभी नहीं पढ़ा था जो मुझे यहाँ मिल गया। शोपेनहावर उपनिषदों के भाष्यकार हैं। हमारे जितने उपनिषद हैं उनका हिंदी इंग्लिश अनुवाद उन्होंने किया है शोपेनहावर ने। उपनिषदों की उन्होंने मीमांसा लिखी उन्होंने। उनको उन्होंने कहा, लिखा, लिखने में लिखा उपनिषद उसकी भूमिका में, कि मुझे तो खजाना मिल गया। गीता क्या मिली मुझे? खजाना मिल गया। इस कारण शोपेनहावर आनंद से अभिपूरित हो गए और आनंद से नाचने लगे। लेकिन भगवद्गीता जब रसेल को मिली तो वो ऐसे आनंदित नहीं हुए। रसेल जो हैं ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, बर्टन रसेल, आपने नाम सुना होगा उनका। बर्टन रसेल जब मिले, उनको गीता मिली, उन्होंने कहा इसमें क्या पागलपन है, वो तो उसको आनंद आया, हमें तो नहीं आनंद आया। ब्रिटिश थिंकर, ब्रिटिश फिलोसोफर, अंग्रेज विचार, अंग्रेज दार्शनिक, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। भगवद्गीता से उतना प्रभावित नहीं हुए वो। उन्होंने कहा इसमें बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन विचार तो और भी हैं। हमारे पास इंग्लिश में इतनी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उनमें अच्छे अच्छे विचार भी हैं। जब तक हम अधिकारी नहीं होते तब तक स्वाद नहीं आता। गुलाब जामुन खाया गुलाब जामुन नवरात्रि में तो नहीं खाया होगा, तो गुलाब जामुन का जब तक स्वाद नहीं आएगा तब तक तुमको पता नहीं चलेगा गुलाब जामुन कैसा होता है। हम कहते चले जाएँ गुलाब जामुन खाओ तो आपको नहीं पता चलेगा। स्वाद जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक हम अधिकारी नहीं होते तब तक स्वाद नहीं आता। आपके भोजन में स्वाद नहीं आया, हमें रोटी बनाई, रोटी कच्ची रह गई, आप शिकायत करोगे हमको लिख के कि हमारी रोटी कच्ची होती है, हमें नहीं खाने को मिलती, कच्ची रोटी हम कैसे खाएं? सब्जी बनाएं, सब्जी कच्ची रह जाए, आपकी माँ ने बनाई सब्जी कच्ची रह गई। दाल बनाएं, दाल कच्ची रह गई। आपने कभी इन चीज़ों को खाया है? कच्ची रोटी, कच्ची दाल, कच्ची सब्जी खाई है तुम लोगों ने? तुम्हारी माँ ने बनाई कभी? तुम्हारी माँ को शिकायत कर देंगे हम। आपकी बेटी तो ये कह रही थी कि मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि वो सच्ची बताना भाई, ठीक है ना, ये कच्ची नहीं होनी चाहिए, पकनी चाहिए। जिनके विचार नहीं पके हैं, जिनके भाव नहीं पके हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। अत पके विचार अत पके भाव साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, नहीं आए, सुना देना उनको कि साइकोलॉजी में तुमने अगर ये नहीं सीखा कि अतपके जो विचार हैं, अतपके जो भाव हैं, अतपके जो कर्म हैं, वो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। इसका कर्म नहीं पका है, उसके अंदर से आसक्ति और अहंकारें जा नहीं सकती, अहंकार और आसक्ति जा नहीं सकती। अहंकार और आसक्ति के जाने का तरीका एक ही है कि आप उसके विचारों को पके, इसके मन के द्वंद्व नहीं जा सकते, इसके भाव नहीं पके हैं, उनके विक्षोभ नहीं जाएंगे। विक्षोभ यानी हमारे मानसिक विचारों की उथल पथल, भावनाओं के दोष विक्षोभ और मन का दोष द्वंद्व, ये बने ही रहते हैं। इसके कर्म नहीं पके हों, विचारों का स्वाद नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए कर्मठ तो बहुत लोग होते हैं, ये बड़े कर्मठ हैं सब, बहुत अच्छे काम करते हैं। कर्मठ के साथ साथ अच्छे काम तो करते हैं, लेकिन उनसे कहो कि तुम पढ़ो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पर मनन करो, उनकी समीक्षा लिखो, तो नहीं कर पाएंगे। दिखावा तो बहुत करते हैं पर जीवन में नहीं उतार पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनके पास धन नहीं क्या जो पुस्तक नहीं खरीद सकते? उनके पास धन तो है, पुस्तक तो क्या एक क्या दस खरीद लेंगे, दस गीता रखेंगे अपने पास, लेकिन इन विचारों में उनका प्रवेश नहीं होगा, इसका उनका मन इसमें डूब नहीं पाएगा। रसेल, बर्टन रसेल जो हैं,
उनके कर्म तो पके हुए थे लेकिन विचार नहीं पके थे। बर्टन रसेल ने जो अपनी अभिव्यक्ति दी कि भाई गीता में इससे कौन सी खास बात है, बस उनके विचार नहीं पके थे, उनकी भावनाओं को स्पर्श नहीं मिला था गीता का, भावनाओं से तरंगित नहीं था रसेल, इसीलिए तरंगित न होने के कारण, भावनाओं के अभाव के कारण वो पा नहीं सके था। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है गीता को समझना। आप में से भी कोई अगर जानना चाहता हो कि हम कैसे कैसे पकें, पकिए, अपने आप को जीवन में उतारिए, गीता के मर्म को जीवन में उतारिए। आज का जो विषय है वो यही है गीता का सार। कर्म में डूबना एक बात है, विचारों में डूबना दूसरी बात है, और भावों में डूबना तीसरी बात है। कर्म में डूबना, विचारों में डूबना और भावों में डूबना, ये तीन बातें हैं। जो भगवान ने कहा है कर्मयोग, जो विचारों में डूबना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने कहा है कर्मयोग, जो भावों में डूबना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने कहा है भक्ति योग। व्यक्तित्व है मनुष्य का और व्यक्तित्व के अनुसार ही अधिकार, अनाधिकारी को प्रकृति कुछ देती नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद से बात हो रही थी, मैं उदाहरण दूंगा थोड़ी सी, स्वामी विवेकानंद से बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी लोगों से, महाराज भागवत कम लोग पढ़ते हैं, कम लोग सुनते हैं, भगवत गीता का विषय ज़्यादा जटिल है, भगवत गीता की को ज़्यादा पसंद किया जाता है, भागवत की उतनी चर्चा नहीं होती। हालांकि आजकल भागवत की कथाएँ खूब होती, हमारे हरिद्वार में ही भागवत की कथाएँ कम से कम साल भर में, आप ये मान करके चलिए कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 कथाएँ हो जाती हैं। पर कितनों के जीवन में परिवर्तन आया, कितनों के भाव बदले, कितनों के भाव में परिवर्तन आया, किसी के भाव में। भागवत का कीर्तन बहुत होता है, भागवत की आरती उतारी जाती है, आरती उतारते हैं, भगवान का नाम बहुत लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जो बोले कि भगवान भगवत गीता के योग में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उन्हीं के ज्ञान, वही भागवत के ज्ञान में, भागवत के धर्म में, भागवत की साधना में प्रवेश के अधिकारी, जो भगवत गीता को समझ चुका है, जीवन में उतार चुका है, वही भगवत गीता को समझ सकता है। भागवत भगवान के कर्मों की, भगवान के जीवन की वो वाली पुस्तक है जिसको भागवत को, श्रीमद् भागवत को किसने लिखा था, भागवत की साधना किसने की थी, बच्चों तुम बोलो, वेद व्यास। और लिखा किसने था, जो नोट कर रहे थे, गणेश जी, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, बहुत बढ़िया। भागवत के ज्ञान में, भागवत के धर्म में, भागवत की साधना में प्रवेश का अधिकारी वही है जो इतना जानता हो वो फिर उतर सकता है। शुद्ध और परिष्कृत ज्ञान। हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ों में अपने दोष खोल देते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है, अरे क्या क्या किया उन्होंने, भागवत लिख दी तो क्या, कौन सी बड़ी बात है, ये हम दोष घोल देते हैं, अपने दुर्गुण अपनी मलिनताओं को घोल देते हैं। शोपेनहावर ज़्यादा पका हुआ था, शोपेनहावर, तुमने स्पेलिंग नोट करी कि नहीं, SHOPEN शोपेन, HOVER शोपेनहावर, शोपेनहावर ज़्यादा परिष्कृत है, वो विचारों के शिखर को छू चुका है, जहाँ उसका भावनाओं में प्रवेश सुगम है। कृष्ण भगवान पहले जो कर्म का उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, 13वें अध्याय में पुरुष और प्रकृति के तत्वों की बात करते हैं, मीमांसा की बात करते हैं, 3रे अध्याय में कर्म के एक एक सत्य को बताते हैं, संन्यास के सत्य को बताते हैं, तो अब अंत में आकर कहते हैं मेरे को सब कुछ समर्पित कर दे। भगवान सब कुछ सुना चुके हैं अर्जुन को, वो कहते हैं तू मुझे सब कुछ अर्पित कर दे, कोई प्रश्न नहीं उठाते। कृष्ण क्या कोई व्यक्ति की पूजा करा रहे हैं, कृष्ण क्या कोई अहंकार की पूजा करा रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, सबको कहते हैं मुझमें समर्पित हो जाओ, मुझमें समर्पित हो जाओ। मुझसे क्या मतलब है, एक विराट पुरुष, श्री कृष्ण रूपी विराट पुरुष में समर्पित हो जाओ, उनके चिंतन में, उनकी जो एक एक चीज़ मर्म से भरी हुई है उसमें समर्पित हो जाओ।
कृष्ण अद्भुत हैं, कृष्ण अतुलनीय हैं, कृष्ण संपूर्ण हैं। एक संपूर्ण पुरुष अगर माना जाए, एक सर्वांगपूर्ण पुरुष, तो वो कृष्ण है। इसे कृष्णस्तु भगवान ने कहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये लिखा हुआ है गीता में, ग्रंथों में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण को भगवान मानो, भगवान हैं स्वयं। हमारी गांठें खोलते हैं कृष्ण, हमारी गांठें खोलते हैं। आज मैं कृष्ण की भूमिका निभाऊंगा, आज मैं आपकी गांठें खोलूंगा, एक एक गांठ है, एक एक गांठ, एक एक गांठ। हम गहराई में जाएंगे तभी जानेंगे। कर्म की गांठें जो नहीं खोल सका, वो कर्म के रहस्य को नहीं जान सकता। जो भावनाओं की गांठ नहीं खोल सका, वो भावनाओं का रहस्य नहीं जान सकता। जो मन की गांठ नहीं खोल सका, वो मन का रहस्य नहीं जान सकता। कृष्ण बार बार कहते हैं, मन मना भव, तू अपने मन को मेरे अंदर समर्पित कर दे, मेरे में मन को लगाओ, मेरे में मन को लगाओ। इतने लोग आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप ये बताइए कितने लोग जब गीता पढ़ते हैं या भगवान को कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कितने लोगों का मन लगता है भगवान में? अरे वाह, हमारे बच्चे तो हाथ उठा रहे हैं, ये भी आप भी हाथ उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भव, भव मेरा तो शिष्य बन जा सही अर्थों में, मेरा मेरे में मन को लगा। कृष्ण बार बार कहते हैं मेरे मन को लगाओ, हमारा मन तो कहीं लगा है। कृष्ण जी की, गोस्वामी जी तुलसीदास जी की चौपाई है, बहुत बढ़िया। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मन पद मन ही बांध असी डोरी। जो मेरे से डोरी को बांध ले, मेरे से, मेरे मन से, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन में। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन में। और ममता के धागे जगह जगह लिपटे हुए, उन धागों को बटोर लो। भगवान कह रहे हैं, ये जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमारे धागों को बटोर लो और मुझ में बांधो, उस डोर को मेरे में बांधो। ये बात साधारण नहीं है, बड़ी असाधारण बात है। हमारा व्यक्तित्व बिखरा हुआ है। चलिए, ऑल ऑफ अस हैव ए इंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। ऑल ऑफ अस लिव इन ए लाइफ फुल ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हमारे न जाने कितने हमारे मन बिखरे हुए हैं, न जाने कितनों में हमारी वो है, बातें हैं, हमें अभी ये करना है, हमें अभी ये करना है, हमें अभी ये करना है। सब कर ममता ताग बटोरी, हमारे जीवन की सो धाराएँ हैं अलग अलग दिशाओं में। हम बैठे बैठे भी न जाने कितनों का ध्यान करते हैं, न जाने कितनों का चिंतन करते हैं, न जाने कितनों के लेक्चर सुनते हैं, पर हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है, अलग अलग दिशा में बहता है। व्यक्तित्व संगठित नहीं है, हमारे व्यक्तित्व विघटित है, हमारी शक्तियाँ एकत्रित नहीं हैं, हमारी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं। देखिए, ये आज हर व्यक्ति की समस्या है। बिखरी हुई शक्तियाँ हों तो आप नहीं एकाग्र नहीं हो सकते। आनंद की अवस्था में जाना है, अगर विषादग्रस्त अवस्था से अर्जुन को ले जाना है, तो भगवान ने कहा है कि तू अपने मन को विखंडित स्थिति से एकाग्र स्थिति में ला। अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतन। मैं कृष्ण में बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गया हूँ, कायरता के दोष से पीड़ित हूँ मैं, बड़े असमंजस में हूँ, सम्मूढ़ हूँ, मूढ़ हूँ। एक तो शब्द होता है मूर्ख, और एक होता है शठ, एक होता है मूढ़। मूढ़ जो है मन की जड़ता की अंतिम अवस्था है। मन जब हमारा जड़ हो जाता है तो उसकी अंतिम अवस्था है मूढ़। अर्जुन निष्पंद है, अभी फर्स्ट टू चैप्टर्स में अर्जुन जो है गड़बड़ कर रहा है, वो अपनी बात भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, पर उसका शास्त्र ज्ञान, उसका विचार, उसके भाव सब कुछ लुप्त हो गए, सब कुछ सुप्त हो गए, अर्जुन के सारे भाव सुप्त हो गए। और कहता है कि मैं धर्म चित
धर्म के विषय में सम्मूढ़ हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में भगवान आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाइए। भगवान अर्जुन को उंगली पकड़ कर सीढ़ी चढ़ा करके मन का प्रबोध करते हुए, जीवन का प्रबोध करते हुए एक एक कदम पढ़ के एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से। 18 अध्याय हैं उनके पास, वो पूरे आराम से चढ़ा रहे। और एक एक कदम चलते हुए इस 18वीं सीढ़ी में आ गए, शिखर पर पहुंच गए, बस अब अंतिम सीढ़ी पास में, ये शिखर है। मैंने जो श्लोक बोला है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मम, 18वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। कर्म की सीढ़ी, विचारों की सीढ़ी, कर्म और विचार के परिणाम, ये योग की सीढ़ी, भावनाओं की सीढ़ी, प्रेम की सीढ़ी को पार करते हुए अर्जुन अब भक्ति के शिखर पर, समर्पण के शिखर पर पहुंच गया। कहते हैं कि मनमना भव, मेरा मन का परिपाक, मद भक्तो भावों का परिपाक, मन का परिपाक, भावों का परिपाक, मध्याजी कर्म का परिपाक, नमस्कुरु अहंता अहंकार का परिपाक। अहंकार अब नरम पड़ गया है, झुकने के लिए तैयार है। सभी का परिपाक संपूर्ण रूप से होगा तो फिर उस व्यक्ति में ईश्वर का वास हो। ईश्वर कहाँ है, किसी को मालूम है ईश्वर कहाँ है? किसी से पूछो ईश्वर कहाँ है, बोलते ऊपर है। किसी मुस्लिम से पूछो कि कहाँ है ईश्वर, बोले अल्लाह तो ऊपर है। बार बार वो ये कहते हैं ईश्वर कहाँ है, इधर है, उधर है, यहाँ है, वहाँ है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, मनीषी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, योगी कहते हैं, और सभी कहते हैं, यति कहते हैं, ईश्वर कण कण में है। ईश्वर कण कण में है। एक पिक्चर आई थी, कण कण में भगवान, है ना, देखी थी क्या तुमने? बहुत पुरानी पिक्चर है। मैं अपने माता पिता के साथ गया था और उस पिक्चर को देखने, और मैं था करीब करीब 9वीं में पढ़ता था, कितना साल का हुआ, 14 साल। तो उसमें जो दृश्य आए इस प्रकार से विलक्षण थे, मतलब उसमें सारी सब तरह की अश्लीलताएँ भी थीं। तो हमारी नानी जी भी गई थी हमारे साथ। नानी जी ने उठ के खड़े होकर के कहा, धन्य हो जस साहब, धन्य हो, पिताजी को कहा, कहाँ ले आए मुझे आप, क्या दिखा रहे हो मुझे, ये चलो आप चलो, चलो। भगवान तो कणकण में हैं, आप कहाँ दिखा रहे हो कणकण में? और कणकण में भगवान का नाम आपने केवल फिल्म का नाम देख करके आपने बुला लिया, नहीं, गलत। तो भगवान जो हैं सब जगह हैं। अपने दोषों से, दुर्बलताओं से, अपनी मलिनताओं से हम घिरे हुए हैं। देखो, आप लोग बुरा मत मानो कोई भी, हर एक के अंदर कुछ न कुछ दोष हैं, कुछ न कुछ मलिनताएं हैं, कुछ न कुछ अनुभूति हमारी जो है गड़बड़ है। लेकिन हमें उसकी किसी पल भगवान की अनुभूति नहीं होती। हम अपने दोषों से, अपनी दुर्बलताओं से घिरे हुए हैं, हर तरह से घिरे हुए हैं। क्या करें ऐसे? मुक्ति करो, मुक्ति पाओ, गीता है तुम्हारे लिए, मुक्ति पाओ। हमारे अंदर किसी का परिपाक नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन अब समझने की स्थिति में है। अर्जुन 18 अध्याय सुन सुन के पक गया पूरी तरह से, क्योंकि भगवान ने उसको चलाया है। कैसे चलाया? हाथ पकड़ करके, विषाद से उठाकर आनंद की अवस्था में ले जाकर, विषाद से उठाकर आनंद की अवस्था में ले जाकर उसको सिखाया है। पहले अर्जुन विषादग्रस्त थे, अब जो आनंदित हैं, पुलकित हो रहे हैं, उन्होंने नर रूप में नारायण को समझ लिया है कि नर रूप में नारायण भगवान है। 10वां 11वां 9वां 10वां 11वां आप श्लोक सुनेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे भगवान कह रहे हैं, मैं खुद भगवान हूँ, मैं खुद ईश्वर के रूप में हूँ। भगवान वहाँ कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे मामा के बेटे, केवल इतना ही इनका परिचय नहीं है, इनका परिचय बहुत गाढ़ा है, बहुत गहरा है। ये केवल हमारे मामा वासुदेव के पुत्र नहीं हैं, ये केवल हमारी माँ के भाई के बेटे नहीं हैं, ये तो इनका पारिवारिक और सामाजिक परिचय है।
ये तो योगेश्वर हैं, ये तो नारायण हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, भगवान कृष्ण नारायण, ये परिचय कराते हैं। सभी का परिपाक हो, सभी का परिपाक हो, कर्म का परिपाक, विचारों का परिपाक, भावों का परिपाक, अहंकार का परिपाक संपूर्ण रूप से हो, तभी ईश्वर में वास, ईश्वर में वास तभी हो पाएगा जो हमारा सभी का परिपाक हो। तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है, मन सबके ममता त्याग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी, ताग बटोरी, मन पद मन ही बांध असी डोरी, बड़ी डोरी। ऐसे ही जब भगवान कहते हैं तू मुझे वास करेगा, तो इसी का समानांतर श्लोक है ये, इसी का समानार्थी मंत्र ईशावास्य उपनिषद में एक और है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, बोलो बोलो, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, देखो पूरा श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा। ये जो मंत्र है ये पहला मंत्र है, पहला मंत्र है, और इस मंत्र के माध्यम से सब कुछ ईश्वर में वास करता है। कहीं भी कोई वस्तु नहीं है, मटेरियल नहीं है, ये सब कुछ है, ईश्वर में ही है। जो जगत में जगत है, जगत में जगत बनाए बैठे हैं लोग बाग अपने अपने अपने, हमारी एक परत खोली जाए तो दूसरी, दूसरी परत खोले तो तीसरी, हम जिस जगत में जीते हैं, जगते हैं, काम करते हैं, वो हमारा व्यवहारिक जगत है। जब हम अपनी कल्पनाओं में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, तो हमारा मानसिक जगत है, व्यवहारिक जगत, मानसिक जगत। जब हम अपनी भावनाओं में रहते हैं, भावनाओं में रह करके कुछ भी हम कहते हैं, तो वो हमारा भावनात्मक जगत है। तीन जगत बता दिए मैंने आपको, जगत्याम जगत, जगत में भी जगत, कौन कौन सा, मानसिक जगत, व्यवहारिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत। जब हम कहीं किसी से अड़ जाते हैं, अड़िग हो जाते हैं, कहीं हम झुकने के लिए तैयार नहीं होते, हम दृढ़ हो जाते हैं और हम कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ये अहंकार का जगत, ये अहंकार वाला जगत। इन सब जगत के अलावा भी जगत है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे स्वप्न का जगत, जब हम सो जाते हैं तो हमारे स्वप्न का जगत। इसलिए ईशावास्योपनिषद का ऋषि कहता है जगत्याम जगत, जगत में भी जगत है, जगत में भी जगत है, लेकिन ध्यान रखो वो चाहे जो भी जगत हो, कितनी पढ़ते हों, सब कुछ ईश्वर में ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुंजिता, जब तक त्याग नहीं होगा, भुंजिता मतलब भून देना, भून देना, उसको पूरी तरह से भून डालो, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अहंकार जब तक नहीं टूटेगा, आसक्ति नहीं टूटेगी, तब तक ये नहीं होने का, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अहंकार को तोड़ना यानी भुंजिता, शास्त्रों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, गीतों में कहा गया, गीता में कहा गया कि, लेकिन आप क्या कहते हैं बताइए, आप कहेंगे कि हमें नहीं मालूम, हमें तो कुछ अनुभव नहीं करते। आप अनुभव करेंगे अगर आप कोशिश करेंगे, हम तो दो पल बैठे हैं, चार पल सुन रहे हैं, चले जाएंगे तो क्लास ख़त्म होते ही, सुन करके जो बातें हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद विस्मृत हो जाएगी, भूल जाते हैं। फिर कभी किसी मौके पर हमें याद आएगी, केवल इतनी अनुभूति है, ज़्यादा की अनुभूति नहीं है। हमारे जीवन की तीन डोर हैं, तीन, विचार, भाव और कर्म, विचार, भाव और कर्म। चौथी पांचवी डोर और कोई नहीं है, ये विचार भाव कर्म की डोर कैसी हैं। तुलसीदास जी ने रामकथा लिखी है और श्री राम जी के लिए धर्मरथ का वर्णन किया है। आपस में बात करते हैं कि भगवान राम के पास तो कुछ है ही नहीं, रावण जो है वो चप्पल भी पहना हुआ है, वो जूते भी पहना हुआ है युद्ध के हिसाब से, और लड़ने के लिए आया है तो वो पूरा हथियार हथियार सब लेके आया है, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामरथ का वर्णन किया, विजय रथ का वर्णन किया, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ये 80वें श्लोक का तीसरा चौपाई है। एक जगह लिखते हैं ईज भजनु सारथी सुजाना,
क्षमा मन की डोर है, कृपा भावनाओं की डोर है। ये भगवान के का वर्णन कर रहे हैं, क्षमा भावनाओं की डोर है, मन की डोर है, कृपा भावनाओं की डोर है, और समता कर्म की डोर है। कर्म में समता, भक्त पर भगवान की कृपा, और मन से क्षमा। सारथी कौन, माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर, ईश भजन सारथी सुजाना। ये क्रमिक रूप से है हमारा पूरा अस्तित्व, या हमारा पूरे व्यक्तित्व के बारे में अगर हम कहें तो वास्तव में हम सही रूप में अपने जीवन को उतार सकेंगे भगवान राम की तरह से, भगवान कृष्ण की तरह से। आठ बिंदुओं को बताइए, आठ बिंदु बताए मैंने आज। आठ बिंदु में कभी भी पूछूं, रोक करके पूछूं, टोक करके पूछूं, तो बता सकते हो आठ आठ बिंदु कौन से हैं? कोई खड़ा होकर बता सकता है आठ बिंदु? आप बता सकते हो? जी जोर से, हाँ बोलो बेटा। अच्छा प्रति जाने प्रियो सी में, है ना, मुझे अपना प्रिय मान, मुझे अपना मान, बस ये हैं आठ चीज़ें। बहुत बढ़िया, किसी ने हिम्मत तो की, चलो एक और ने हिम्मत की थी खड़ी होकर के। हमारी पूरी शूद्रताओं को महानताओं में परिवर्तित करता है श्लोक। ये श्लोक जो है हमारी छोटेपन को, शूद्रताओं को महानता में बदल देता है। अगर भगवद्गीता का ये मंत्र हम कहते हैं तो शुद्धताओं को महानता में बदल देते हैं। गंदा नाला अगर गंगा जी में बहने लगे तो फिर उसको पहचानना मुश्किल पड़ता है गंगा जी कौन सी है। आप देखो अभी गंगा में जाके देखो कितने नाले मिल रहे हैं, गंदा नाला कौन है? वो भी अपनी पवित्रता, अपनी निर्मलता प्राप्त कर लेता है। अगर हम फिर से विचार करें, फिर से इस पर सोचें, मनमना भाव, देखो भाई सुन लेना सभी, कैसे हों अब हम कहते हैं कि मन ही तो सबके हैं, विचारों से घिरे हैं, मन सभी के हैं और विचारों से घिरे हैं। फिर से मनमना भाव, अब क्या है ये मन की कौन सी यात्रा है जिसमें हमारा मन ईश्वर में लीन होता है? जैसे विचार की निर्विचार यात्रा, विचार की निर्विचार यात्रा में आप जो है भगवान के हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक छोटे कालखंड के लिए भी हमारे विचार बंद नहीं होते। हमारा मन बहुत जगह से, बहुत तरह से, बहुत ढंग से भटकता रहता है, बहकता रहता है। मनमना भाव विचार से निर्विचार तक की यात्रा। मनमना भाव जो जिसने बोला था, जिसने सुना, इसमें नोट करना है कि विचार से निर्विचार की यात्रा, विचार से निर्विचार की यात्रा। अब दूसरा है मदभक्तो। मदभक्तो यानी हमारी भावनाओं के कई हिस्से हैं। पत्नी से ही प्रेम करते हैं, हम पति से ही प्रेम करते हैं, हम बेटी से ही प्रेम करते हैं, दामाद से प्रेम करते हैं, हमारी बहू जो गई हुई है उससे ही प्रेम करते हैं, हम अपने नाती पोतों से ही प्रेम करते हैं, सब हमारे अपने हैं, पर कई साझेदार हैं। ये सामान्य भावना से भक्ति की यात्रा है, परंतु अगर आप इसको भक्ति की ओर ले जाएंगे, मद भक्तो भक्ति की ओर ले जाएंगे, तो आप सही मायने में वहाँ से उठ के ऊपर चले जाएंगे। मध्या जी यानी मेरे लिए यजन करो, जी यानी यजन, आजी आजी धाता से धातु से बना है यजन, मेरे लिए यजन। दिन भर हमारे कर्मों की दिशा धारा अनेक रूपों में बहती है। फिर मध्या जी का मतलब क्या है? हम भगवान के लिए कर्म करें, कर्म से निष्कर्म की यात्रा, इसका अर्थ है कर्म से निष्कर्म की यात्रा। माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, यानी अहंता से समर्पित होने की यात्रा। अपना अहंकार मत रखो, परमात्मा का अहंकार, परमात्मा से जुड़ो, ये विसर्जित होने की यात्रा। ऐसा हो पाना, ऐसा कर पाना, संपूर्ण जीवन को हस्तांतरित कर लेना, पूर्णतः रूपांतरित कर लेना, बहुत बड़ा है। गीता के उपदेश का सार है ये। अभी तक जो बातें कही गई, जो बातें सोची गई, ये बातें हमारे व्यक्तित्व के एक एक अंग के बारे में। अभी तक एक बात थी जो मैंने सुनाई, अभी एक कर्म की बात सुनी, अब भक्ति के बारे में सुने।
अभी तक विचारों के बारे में बात थी, ज्ञान के बारे में बात थी, लेकिन अब बात हो रही है संपूर्ण जीवन के बारे में। जीवन को रूपांतरित करना है तो भक्ति के माध्यम से रूपांतरित कर पाएंगे। जीवन को मॉडिफाई करना है और बदलना है, परिवर्तन लाना है, तो वो भक्ति के माध्यम से संपूर्ण जीवन प्रति परिवर्तित होगा। भगवान कहते हैं, ये बात तुमसे ऐसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तक आते आते, यानी जब भगवान कहते हैं प्रतिजाने प्रियोसी में सत्यम ते, अंत में सत्यम ते, मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ, बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि हे अर्जुन तू मुझे बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। भगवान को प्रिय कौन है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम्हें से किसी को आता है श्लोक? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्याम। ये यथाम चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, 4/11 चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्याम। मन वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेषु। मेरे अनुसार ही सब आदमी चलते हैं, भगवान कह रहे हैं सब कुछ, सब कोई आचरण कर रहे हैं मेरे हिसाब से कर रहे हैं। जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसी तरह से उससे मिल जाता हूँ, जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसी को मिल जाता हूँ। भगवान कहते हैं जो प्रिय हैं तो कौन, अप्रिय कौन है? प्रभु भगवान के लिए सभी प्रिय हैं। जो जिस तरह से मुझे भजता है, जिस तरह से मुझे याद करता है, देखो जिस तरह से आप भगवान को किस तरह से भज रहे हैं, मुझे परीक्षा में पास करा देना, मुझे पढ़ाई में हाईएस्ट डिग्री देना, हाईएस्ट अचीवमेंट देना, डिस्टिंक्शन देना, ये आपका भजने का तरीका है ना? तो ये अगर जो मुझे जिस तरह भजता है मैं उसे, हर व्यक्ति हर तरह से याद नहीं करता, ईश्वर प्रेम चाहने वाले इस संसार में बिरले ही होते हैं। अगर तुम ईश्वर को चाहोगे तो तुम्हारे बाकी सब काम हो जाएंगे, अगर तुम ईश्वर को चाहोगे तो तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। व्यक्तित्व को संवारने वाले, जीवन को संवारने वाले व्यक्ति बिरले ही होते हैं, व्यक्तित्व को संवारने वाले बिरले ही होते हैं। भगवान से लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, मैं फिर से उसी पर आ रहा हूँ जिसको तुमको सुनाया था, भगवान से लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, मांगते जरूर हैं, धन मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, कोई यश मांगता है, कोई सिद्धि मांगता है, कोई विभूति मांगता है, विविध प्रकार की हमारी मांगें हैं। लेकिन भगवान से कोई भगवान को नहीं मांगता, भगवान से भगवान को मांगो ना, गुरुदेव से गुरुदेव को मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, गायत्री माता से गायत्री माता मांगो, हमारे जीवन में आ जाओ बस। भगवान को कोई भगवान के लिए नहीं चाहता, भगवान सोचते हैं ऊपर बैठे बैठे कि इन्होंने कभी मुझे याद ही नहीं किया, नहीं किया था याद, पर वो चीज़ों के लिए याद किया था, स्कूटर के लिए, टैक्सी के लिए, कार के लिए, और पत्नी के लिए, पति के लिए, इसके लिए याद किया था, बाकी अपने लिए याद नहीं किया। जिसमें सार नहीं उसमें सार दिखता है, सबसे निस्सार दिखते हैं भगवान, बिना किसी सार के कौन है? भगवान। भगवान के पास जो कुछ है उसे छीन लो, झपट लो अगर तुम चाहते हो तो, भगवान के पास जो कुछ है उसको छीन लो, झपट लो अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं भाई। अनुष्ठान तो बहुत लोग करते हैं, साधना तो लोग बहुत करते हैं, तुमने भी की 9 दिन की साधना, तुम लोग कर रहे हो सर सब लोग, तो उसमें क्या है कि खाने में तुम आलू खाते होगे ना, क्या खाते हो? आलू। तो ये खाने का नाम जो है ये साधना नहीं है, हमने साधना में बदल लिया आहार। आहार कुछ भी कर लो तुम, कोई 9 दिन की साधना करता है, कोई 40 दिन की साधना करता है, किस लिए कर रहे हो भाई साधना? मैं नौकरी के लिए कर रहा हूँ, परीक्षा में पास होने के लिए कर रहा हूँ, घर में समस्या है, माँ बाप दुखी हैं, उनके लिए कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए, पवित्रता के लिए, प्रेम के लिए कोई मांगता ही नहीं, कोई नहीं मांगता, सब मांगते हैं भगवान को नहीं मांगते, सब और चीज़ मांगते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम समझ गए, कर्तव्य कर्म कर्तव्य के लिए है, कर्म कर्तव्य के लिए है, कर्म ईश्वर तक पहुंचने के लिए है,
विचार ईश्वर तक पहुंचने के लिए है, आ भाव ईश्वर तक पहुंचने के लिए हैं। तुम इस बात को समझ गए हो, अब तुम विषाद से आनंद के शिखर तक पहुंचने की तैयारी कर चुके हो। भगवान यहाँ इस श्लोक में आगे बता रहे हैं, विषाद से आनंद के शिखर पर पहुंच चुके हो, तुम वहाँ तक पहुंच गए हो, यहाँ से तुम्हें आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सकती है। तुम मुझे प्रिय हो, तुम मुझे प्रिय हो, भगवान कह रहे हैं ना, क्योंकि तू मुझे प्रिय है इसलिए मैंने तेरे को इस पथ पर चलाया है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं पकड़ लिया मैंने तेरे को, तू मुझे प्रिय है इसलिए मैंने तेरे को समाया चलाया। जब भगवान अर्जुन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की बात नहीं करते, बल्कि समष्टि की बात करते हैं, सृष्टि की बात करते हैं। अरस्तु और सुकरात दो विचारक हुए हैं, ध्यान रखो, विचारक विचारों का ताना बाना बुनता रहता है, दर्शन रचता है, शास्त्र रचता है, लेकिन गूढ़ ज्ञान नहीं देता। कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये विचारक नहीं हैं, ये तत्वदर्शी हैं, ये आपको कल्पना नहीं प्रदान करते, ये आपको अनुभूति प्रदान करते। भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये आपको पूरी तरह से बोध करा देते हैं कि आपको क्या करना, तत्वदर्शी हैं ये, आपसे जीवन का अनुभव देते हैं, ये कहते हैं वो सत्य है, वो ऋषि है, सत्यदर्शी, क्रांतिदर्शा दृष्टा जो ऋषि हैं वो सारे के सारे आपके लिए पूजनीय हैं। विचारकों की सीमा यहीं तक है। उदाहरण के लिए जैसे जयशंकर प्रसाद, आपने नाम सुना उनका, कितनों ने नाम सुना, साहित्यकार का नाम सुना, महादेव वर्मा नाम सुना है, रामधनी से दिनकर नाम सुना है, ये सब कवि थे, कवि विचारक नहीं थे, और वो भी नहीं थे दृष्टा या कुछ और। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर, इनका नाम सुना है तीनों का, ये कवि नहीं है, ये भक्त हैं, भावनाओं में ऊँचे हैं। लोकमान्य तिलक और गांधी जी, कल याद किया था आपने उनको, ये क्या हैं, ये क्या है दोनों, हैं फ्रीडम फाइटर। अरे ये तो तूने लौकिक परिचय दे दिया है, नहीं लौकिक नहीं पूछ रहा हूँ, ये कर्मशील व्यक्ति थे जिन्होंने मर्म को जाना, कर्म के मर्म को। रैदास कौन थे, रैदास ये निष्काम के मर्म को जानते थे, वो रैदास निष्काम के मर्म को जानने वाले निष्काम। उन्होंने क्या किया, कठौती में गंगा निकाली थी, याद है, कठौती वो होती है जो चमार के पास होती है, चर्म जो मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा जाता है, कि उन्होंने कठौती से निकाल करके रख दी थी और कहा था कि जो रानी महारानी की अंगूठी खो गई है उसमें मिल जाएगी। इस बात को समझ जाए तो सत्य को अनुभव कर लेगा। मनमना भाव का मतलब क्या होता है, मनमना भाव किसको कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, गीता में तत्व बताते हैं, आठ तत्व बताए, तो मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आठ तत्व है ना, ये वाले भगवान गीता में कहते हैं कि आठ तत्व जो बताएं, यात्रा कैसी है, इस यात्रा में पहुँच कर कैसा होगा, एक एक उदाहरण से हमको समझना चाहिए। मनमना भव मद भक्तो, यानी मुझ में मन मन वाला हो। रहीम की एक कथा है, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, बैरम खां के बेटे थे। बैरम खां वो व्यक्ति था जिसने अकबर को शहंशाह बनाया था, पद पर प्रतिष्ठित किया था। हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, हुमायूं अकबर के पिताजी थे, पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी, मुग़ल साम्राज्य बिखरा हुआ था, शेरशाह सूरी ने अपने आक्रमण से मुग़ल साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था, सब कुछ बिखरा बिखरा था। जिस साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, इस सल्तनत को कभी बाबर ने जीता था, बाबर ने वो बाबरी मस्जिद बनाई थी जिसको अपन ने तोड़ा है, मालूम है कि नहीं, याद रखना चाहिए। बाबर ने जो जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस सल्तनत को कभी बाबर ने जीता था, वो यथार्थ में कहीं नहीं थे, हुमायूं भी नहीं था। ऐसी अवस्था में अकबर छोटा था, अकबर जब 10 या 11 साल का था तब हुमायूं की पत्नी जो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रही, वो भी समाप्त हो चुकी थी,
उनका भी इंतकाल हो गया था, वो भी मर चुकी थी। अकबर का पालन पोषण और दूध पिलाने का काम अकबर को बचपन में, वो अकबर और रहीम दोनों को दूध पिलाने वाली माता एक थी, वो कौन थी? बेगम खां और उनकी बेगम, बैरम खां और उनकी बेगम, बैरम खां की बेगम। अकबर की जो माँ थी वो तो मर चुकी थी, रहीम का स्थान अकबर के जीवन में बहुत ऊंचा था। ऐसे रहीम अकबर के साथी थे, अकबर के सहयोगी थे, सिपह सालार थे, सेनानायक थे। इतना ही नहीं, गंभीर रूप से अकबर के हित चिंतक थे, हमेशा वो अकबर को प्यार करते थे, अकबर को का ध्यान रखते थे। विचारक भी थे, कविताएं भी लिखते थे, दोहे लिखते थे। मनमना भाव की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एक अवसर अकबर के जीवन में ऐसा आया जब उनके पुत्र ने सलीम ने, सलीम नालू में आप अनार कर लिए देखिए, उसके लिए था सलीम। जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, अकबर के अति घनिष्ठ सहयोगी थे वो थे रहीम। उन्होंने रहीम से कहा, बेटा तो बहक गया बेटा, समझा दो, तुम तो वयस्क है, बचपन से ऐसे जानते हो, इन दोनों को सगे भाई जैसा मानते हैं, इन दोनों को दूध पिलाने वाली मेरी पत्नी है। रहीम ने कहा कि ठीक है महाराज, आप कहते हो तो ठीक है, आपका बेटा मेरा बेटा, हम समझा देंगे। अकबर की ये बात सुनकर के रहीम चल पड़े, रहीम समझाने के लिए चल पड़े। सलीम के साथ और भी सिपह सालार थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी सरदार थे, काफ़ी सामंत थे, जिन्होंने अकबर के विरोध में जाके सलीम का साथ देना शुरू कर दिया था, लेकिन रहीम अकबर के साथ थे। रहीम मन ही मन भगवान कृष्ण के भक्त थे, रहीम ने भगवान कृष्ण को आराध्य अपने इष्ट माना था। रहीम मुस्लिम थे पर उन्होंने कृष्ण को आराध्य माना था। रहीम की सेना नदी के उस पार, जहांगीर की सेना नदी के उस पार। जहांगीर ने रहीम को प्रस्ताव भेजा, चचा जान, वो चचा हुए, चचा जान आप इतना सरंजाम करके क्यों लाए हैं, और मुगलिया फौज से लड़ कौन सकता, हमारे पास थोड़ी सी फौज है, हम आपसे लड़ के कैसे जीत पाएंगे, ऐसा है आप हमारे चाचा हैं, हम आपके भतीजे हैं। तो मुसलमानों को बड़े प्यार से कहना आता है, तो ये प्यार से कहा उन्होंने, हम आपके भतीजे हैं, हम और आप मिलकर के बात कर लें तो अच्छा रहेगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। जहांगीर की बातें तो अच्छी थी लेकिन अर्थ अच्छे नहीं थे। जहांगीर के सरदारों ने सलाह दी, क्यों ना हम लोग रहीम का कत्ल कर दें। सलाहकार क्या सलाह देंगे, वही सलाह देंगे जिसमें उनको ज़्यादा मेहनत न करने पड़े। रहीम को मार दें, और इसी प्रयोजन से उन्होंने रहीम को बुलाया। रहीम नदी को पार करके जहांगीर से मिलने के लिए चले। यहाँ बात आती है, मनमना भव मत भक्तो, मेरे में मन हो। यदि अब हम अपने मन की डोर भगवान को दे दें तो फिर जीवन में कुछ अलग घटना करते हैं। इसके बारे में महर्षि अरविंद कहते हैं, तब मन हमें प्रेरित करने लगता है। महर्षि अरविंद ने कहा है, तब मन हमें प्रेरित करने लगता है कि ये अच्छा काम है, ये करो, भगवान की तरंगें उठने लगती हैं। रहीम जब चले तो मनमना भव हो चुके थे, कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कहा, प्रभु हम तो जानते नहीं अकबर का बेटा है, वो हमारे सहयोगी हैं जो अभी बादशाह हैं, उन्होंने कहा है कि उनका बेटा बहक गया है, तो आप उसे समझा दीजिए, सुलझा दीजिए, हम उसे समझाने जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं, रहीम की नाव जब बीच मझधार में पहुँची, उस समय आकाश में कृष्ण की छवि आई, ऊपर आकाश में कृष्ण की छवि आई, क्योंकि रहीम कृष्ण के भक्त थे। मनोकाश में कृष्ण के स्पंदन गूंजे, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, तुमको ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कृष्ण की वाणी मुखरित हुई, उनके अंदर कृष्ण की वाणी जागी, प्रेरणा जागी, बोले तुम लौट जाओ, रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको मारने के लिए रखा है, सारी व्यवस्था तुमको मारने के लिए। सलीम के इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, मनमना भव, तुम मेरे जीवन रथ, तुम्हारे जीवन रथ की बागडोर मैं संभालूंगा, मन की डोर भगवान संभाल लेता है, भक्त के पैर गलत नहीं पड़ते। एक गाना सुना होगा तुमने, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देख लो, सुना है कि नहीं? तुम लोग आजकल के मॉडर्न संगीत सुनते हो। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देख लो, ठीक है। अब ये दिलीप कुमार ने गाया है गाना, और मेरे पैर संघर्ष फिल्म का गाना है, और उसने जो गाया है बड़े प्रेम से गाया है,
और ये गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, इनकी मृत्यु हो गई थोड़े दिन पहले। अब भक्त के पैर गलत नहीं पड़ सकते कभी भी। अगर भगवान को जिसने डोर भगवान को डोर सौंप दी, आपने भगवान को डोर सौंपी कि नहीं बताओ? सब जितने बैठे हैं यहाँ पे भगवान की डोर सौंपने के लिए तैयार हैं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो, भगवान की डोर समा दीजिए, भगवान को दीजिए, भगवान को दीजिए। हाँ ठीक है। हमारे जीवन की भटकन उलझन, हमारे जीवन के संताप सब हमारे मिट जाएंगे। लेकिन जो मनमना हो गया रहीम की तरह, रहीम की मनमना भक्ति की वजह से ही रहीम के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा हुई और ऊपर से प्रकट हुए। रहीम के मन में भगवान बसते थे, रहीम वापस लौट गए, वहीं से लौट गए, गए नहीं वापस। और जब वापस लौट रहे थे तभी उन्हें जहांगीर के षड्यंत्र का पता चला। जब पता चल गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक दोहा लिखा, रहीमन को का करे, रहीमन को का करे, को चुगल न बात। कोई चुगली भी करे बात की तो हम क्या करें? जो पे राखन हार है, जिस पे रखवाली करता है, माखन चाखन हार। जो पे राखन हार है, माखन चाखन हार, भगवान कृष्ण के लिए संकेत है। हमारा रखवाला तो भगवान है, कृष्ण है। उसके होते हुए आप कैसे मार सकते हैं हमको? भगवान रक्षा करें तो कोई चुगलखोर क्या कर सकता है? कोई इधर उधर करने वाला क्या कर सकता है? आपकी भी कोई चुगली करे तो आप भगवान को अपने ऊपर मानो, ये मानो भगवान रक्षा करें। रहीम की जीवन यात्रा को, रहीम के जीवन को जहांगीर अनेक कोशिशों के बावजूद रण नहीं लगा सके। जब कहते हैं कि भगवान मदभक्त, तो इसका मतलब भावनाएं डूबी हुई हैं। मदभक्तों का मतलब होता है मेरी भावनाएं भगवान में डूबी हुई हैं। भगवान का नाम क्या है? भगवान है मदभक्तों, भगवान जो है आदर्शों के समुच्चय। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, भगवान का मतलब होता है आदर्शों का समूह। भगवान में इस प्रसंग का बहुत सुंदर उदाहरण है, सूरदास की कथा है एक बहुत सुंदर। सूरदास जी वृंदावन में रहते थे, अंधे थे, दिखता नहीं था, समझ में नहीं आता था किधर जाएं, अपनी लाठी से चलते थे। वृंदावन में उतना सघन वन नहीं है आज। मैं पिछले दिनों गया था वृंदावन, करीब 5-6 साल पहले, तो मैंने वन देखे पूरे, सब देखे, पर वो वन जो समाप्त हो गए पूरे के पूरे। उस ज़माने में जब सूरदास जी रहते थे तो वहाँ बहुत सघन वन था। उस वन में सूरदास जी जा रहे थे, रास्ता भटक गए। भगवान की डोर से जो डोर जुड़ा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरदास रहीम की तरह प्रतिभाशाली विचारशील नहीं थे, पर थे भक्त। भक्त भी थे और कवि भी थे। उन्होंने अपनी भावनाओं की डोर भगवान को थमा रखी थी। भटकते हुए सूरदास को रास्ता नहीं सूझा। अंधे थे, कभी उनका पाँव इधर पड़ता, कभी उधर पड़ता, कभी ठोकर खाएं, कभी अचानक एक छोटा बच्चा प्रकट हुआ, करीब करीब 7-8 साल का छोटा बच्चा। बोला, अरे बाबा कहाँ भटक रहे हो? सूरदास के पास लाठी थी, तो बोला, लाओ लाठी बाबा, ये मुझे दे दो। बालक ने कहा, मेरे को लाठी पकड़ लें दो, मैं आपको पहुँचा दूँगा। बालक ने सूरदास की लाठी पकड़ ली। धीरे धीरे चलते चलते उस बालक ने उनको वृंदावन पार करा दिया, जहाँ तो मंदिर में निवास करते थे वहाँ तक पहुँचाया। मुस्कुरा कर बोला, बाबा पहुँच गए ठिकाने पर, पहुँच गए ठिकाने पर। बाबा और कोई नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं थे। भगवान कृष्ण बन के आए थे और बचाने के लिए आए थे अपने भक्त को। परिहास में उस बाल रूप कृष्ण ने उनका हाथ छू लिया, सूरदास जी का। ईश्वरीय स्पर्श लगना, भगवान का स्पर्श लगना, सूरदास को इतना तीव्र झटका लगा कि कौन है। बड़ी सुखद अनुभूति हुई, परंतु तो चला गया बालक, तो चला गया बालक, तो भगवान था, भगवान गायब हो गए। कुछ ऐसे ही जैसे दिव्य चेतना व अलौकिक चेतना का स्पर्श सूरदास जी महाराज को मिला। सूरदास जी ने कहा, बेटा इतनी जल्दी जा रहे हो? बालक ने बोला कि बाबा अब तो हम जाएंगे। सूरदास ने लिखा, बाँ छुड़ाए छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोहि। बाँ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोही। हृदय से जो जाओगे तो सबल समझूंगा तो ही। आपको मैं हृदय से नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे को बाँ छुड़ा के जा सकते हो,
हृदय से जाओगे तो समझूंगा तुम समर्थ हो। ये है मत भक्तों, मेरे भक्त ऐसे होते हैं। भक्त मध्या जी जहाँ भावनाएं भगवान में समा जाती हैं, ऐसी समा जाती हैं कि भगवान भक्त के हृदय को छोड़ नहीं सकते। यह भक्त का विश्वास। फिर कहते हैं मध्या जी मेरे लिए यजन करो। यजन यानी यज्ञ नहीं, यजन यानी सत्कर्म। इदम न मम का सतत प्रवाह, हमारा गीत है सुनना आप। हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। एक लाइन सुनाएंगे, दो लाइन सुनाएंगे। हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, भाव यह कर दीजिए। हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। दो पंक्ति गाई है केवल, दो पंक्ति में मर्म छिपा पड़ा है। भगवान की भक्ति यजन है। आप ये मत समझना हवन करते ना, वो यजन है। हवन तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करता, तुम लोग करो हवन। पर हवन को ही सब कुछ मत मानना। जब तक आपके जीवन में भगवान नहीं उतरेगा तब तक यजन नहीं होगा आपका। यजन ये है जिसमें इदम न मम का सतत प्रवाह। इदम न मम, ये भगवान मेरा नहीं है, ये आपका है जो मैं दे रहा हूँ। यत करोषि यद इश्नासी, भगवान ने गीता में समझाया है। यत करोषि यद इश्नासी यद जुहोसी ददासी यत। जो तू करता है, जो तू खाता है, जो तू आहुति देता है, वो सब यत तपसी, जो तू तपस्या करता है, कौन्तेय हे कौन्ती पुत्र तत्कुरुष्व, तत् सब मुझे अर्पित कर दे। तत्कुरुष्व में दर्पण, ये नवें अध्याय का 27वां श्लोक है। नवें अध्याय का 27वां श्लोक। जो तू हवन करता है, जो तू दान करता है, जो तू कर्म करता है, कई बार हम दान करते करते हम लोग कभी वो हो जाते हैं बहुत अहंकारी। अरे मैंने इतने पैसे दिए हैं दान, ये मेरी 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 मेरे दान से ही तो पैसा बिल्डिंग खड़ी हुई है। ये जो कहते हैं ना लोग बाग, ये भूल जाते हैं कि उनके दान का मर्म खत्म हो जाता है, उनके दान की लीला खत्म हो जाती है। जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तो कर्म करता है, जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पित कर, भगवान को अर्पित कर दो ना। भगवान को अर्पित करने में क्या जाता है आपका। ये है यजन। तो ऐसा दिव्य यजन, ऐसा यजन जो अपने कर्मों को क्षण प्रतिक्षण भगवान की को समर्पित करने में लगा हो, ऐसा यजन कौन कर सकता है। बिरले कर पाते हैं ऐसा यजन, बिरले कर पाते। सब नाम के लिए यजन करते हैं, नाम के लिए यज्ञ करते हैं और अपनी कीर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, पर नाम के लिए नहीं। जिसने भगवान को जीवन में उतारने के लिए यजन किया हो वो असली यजन है। एक कथा है रैदास की, बस मैं अंतिम हिस्से में पहुँच रहा हूँ। ये कथा है, रैदास काशी में रहते थे, भक्ति करते थे भगवान की, काटते थे चमड़ा, जूता काटते थे, कर्म था उनका, उस कर्म को बड़े निष्ठा भाव से करते थे। चमड़े को भिगोना, चमड़े को धोना, फिर चमड़े को साफ करना, फिर उस चमड़े को क्या होता है उसको मालूम नहीं क्या कहते हैं, वो जिससे घिसते हैं, रापी ना, तो रापी से घिसते थे उसको। चमड़े को भिगोना, चमड़े को धोना, चमड़े को साफ करना, चमड़े को जूता बनाना, जो भी कर्म हो उनका यजन था, उनका यजन था। कहते हैं एक पर्व था, उसमें एक महारानी आई थी, बहुत बड़े राजा के, जो आई थी मिर्ज़ापुर की रानी। उस समय मिर्ज़ापुर एक राज्य था, स्टेट था, बनारस के पास था। बनारस के गंगा में स्नान किया उन्होंने, उनका कड़ा खो गया, कड़ा गंगा जी में बह गया। हंसी हंसी में रैदास कहते थे, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कहते थे जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जो कठौती होती है ना, ये हर चर्मकारों में, चमार शब्द बोलना गलत है, चर्मकारों में एक
कटौती होती है जिसमें भिगोते जाते हैं हाथ या चमड़ा। तो रानी ने कहा कि जूता बनाने वाले चमड़ा भिगोते हैं, आज वहाँ चमड़ा भिगोया जाता है, गंगा कैसे प्रकट होती? लोग कहते हैं उनसे, आपने कठौती में गंगा नहीं सुनी? हाँ सुनी। तो तुम गंगा जी में क्या करने जाते हो? तुम भी तो चमड़ा भिगोने जाते हो, तुम क्या चमड़ा नहीं भिगोते? सभी भिगोते हैं, जितने लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं ना वो चमड़ा भिगोने जाते हैं। कौन सा चमड़ा? ये वाला चमड़ा। इससे कुछ नहीं मिलता, मतलब बुरा मत मानना कोई अगर ऐसा मानता हो कि भाई हम तो नहाने गए थे गंगा जी में, गंगा पवित्र होती है। पवित्र होती है, पर रैदास की गंगा अलग है और तुम्हारी गंगा अलग है। रैदास ने कहा कि जो व्यक्ति जूता गांठता है, गंगा जी का मजाक करता है, तो इस बात को मिर्जापुर की महारानी सुना, उन्होंने कहा अच्छा रैदास ऐसा कहते हैं कि जो कठौती में गंगा, तो वो जो उन्होंने जो बोला था, लोग बोले कि हाँ। महारानी बोली चलो उनसे कहते हैं, अगर कठौती में गंगा है तो मेरा कड़ा ढूंढ कर दो, अगर आपकी कठौती में गंगा है तो मेरा कड़ा ढूंढ के दो, कड़ा कहीं ना कहीं होगा। रैदास के पास रानी गई, उन्होंने कहा अगर आप कहते हो ऐसा तो मुझे आप बताओ। महारानी बोली हमारा कड़ा तो गंगा जी में खो गया है। रैदास ने कठौती में हाथ डाला और सोने का कड़ा निकाल के दिया, लीजिए आपके पास कैसे आया ये? अरे गंगा से ही आया, गंगा जी ने दे दिया वापस मुझे। समझ में आया कि नहीं ये कहानी? समझ में आई कि नहीं कहानी? हमारे बुजुर्गों की समझ में सबको आ गई होगी, पर कठौती में गंगा मतलब वो वहाँ पहुँच गई, वो जो उनके कड़ा था वो वहाँ पहुँच गया। उन्होंने सोने का कड़ा निकाला और दे दिया। सबने पूछा कौन सी पूजा करते हो आप देव रैदास, कौन सा जतन करते हो, कौन सा ध्यान लगाते हो, कौन सा मंत्र जपते हो? रैदास ने कहा हम तो केवल राम नाम जपते हैं बस, राम 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 राम, काम करते करते भी राम राम राम, हम ज़्यादा मंत्र नहीं जपते, साथ में अपना हम अपना कर्म करते हैं, जो मैं कुछ कर्म करता हूँ वही मेरा पूजन है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से जूते गांठता हूँ और जिसका होता है उसी को देता हूँ, उसको भगवान कहते हैं। मध्याजी ने मेरा यजन, क्योंकि रैदास हर कर्म में मध भगवान का यजन करते थे, हर कर्म उनका भगवान के लिए पूजन था और जीवन का प्रतिक्षण गंगा की तरह पवित्र था। रैदास ने मीरा को अपना शिष्य बनाया था और रैदास जो हैं गुरु थे मीरा के, और मीरा जब आई थी तो उन्होंने रैदास से दीक्षा ली थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कईयों को मालूम नहीं होगा कि मीरा वहाँ की रानी राजस्थान की, और उसने रैदास से दीक्षा ली। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु। मैं एक एक करके सोपान पे बढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? हैं माम नमस्कुरु, इस तत्व को कैसे समझा जाए? ये प्रसंग हजरत मूसा का है। हजरत मूसा एक जगह जा रहे थे, उनको एक गडरिया मिला, गडरिया भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान तुम आओ, तुम्हारे हम पैर दबाएंगे, तुम्हारी हम मालिश करेंगे, तो तुमको हम एक गंगा देंगे, तुम्हारे बाल में तेल लगाएंगे, तुम्हारा हाथ पैर दबाएंगे। भगवान से कह रहा है कौन? हजरत मूसा, एक गडरिया, फिर हम आओगे तो खाना भी खिला देंगे। मूसा ने पूछा गडरिया से कि तू ये क्या कर रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है? गडरिया बोला मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, न कोई मंत्र न कोई भाव, बस बोले जा रहा था। हजरत मूसा ने गडरिया से कहा तुम्हें कोई मंत्र आता है? गडरिया ने कहा मंत्र तो हमें नहीं आता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ यही तो मेरी प्रार्थना है, भगवान आएंगे तो मैं ऐसा करूँगा। मूसा ने पूछा तुम्हें श्लोक आते हैं? बोला नहीं मुझे श्लोक नहीं आते। कोई और वो आती है तुमको, मंत्र आता है कोई? नहीं। तो कैसा निरर्थक जीव है तू, प्रार्थना कर रहा है, कहीं ऐसी प्रार्थना होती है? गडरिया बड़ा मायूस हो गया, क्या मैं अभी तक जो कर रहा था गलत कर रहा था? हाँ तू ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मूसा रात को सोए, मूसा एक प्रसिद्ध संत हुए, स्वप्न में ईश्वर दिखे और मूसा से बोले तेरे को मैंने संसार में भेजा था भक्ति बढ़ाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, भक्ति घटाने के लिए नहीं। ईसा के पहले मूसा भगवान के पैगंबर थे, वो भगवान का पैगाम लेकर आए थे, ईश्वरी दूत थे,
भगवान बोले मूसा मैंने तेरे को संसार में क्यों भेजा था, क्यों भेजा था बता। उसने कहा आपकी बात कहने के लिए। तो ये बता मैंने तेरे को संसार में अपने से जोड़ने के लिए भेजा तोड़ने के लिए, तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं मानता। मूसा ने कहा जोड़ने के लिए। तो भगवान ने कहा तुमने आज गडरिये के साथ क्या किया मालूम है, भगवान को सब मालूम, भगवान बैठे ऊपर। भगवान ने कहा तूने गडरिये के साथ क्या किया, तूने उसकी श्रद्धा तोड़ दी। किसी की भी श्रद्धा तोड़ना भगवान के साथ खेल है, नहीं करना चाहिए। मद भक्तो गडरिया बोल रहा था मध्या जी वो मैं अपने कर्मों को मुझे देना चाहता था, मैं अपने मन को मुझे देना चाहता था, अपनी भावना को मुझे देना चाहता था, वैसे की वैसी ही मुझे अर्पित कर रहा था। वो तुमने क्या किया, तुमने तो उस गडरिये को मुझसे अलग कर दिया, तुमने उसके मन को तोड़ा, तुमने उसकी भावनाओं को तोड़ा, तुमने उसकी कर्मों की दिशा को मोड़ा, अब वो आगे कभी नहीं कर पाएगा प्रार्थना। मूसा बोले तो प्रभु आप उस गडरिये की बात सुन रहे थे। बोले और नहीं तो क्या, मुझे मालूम नहीं क्या। भगवान बोले मैं सुनता हूँ उसे, रोज़ सुनता हूँ, मन में बड़ा प्रसन्न था। भगवान तो बहुमुखी हैं, कई रूपों में हैं, हजारों लाखों करोड़ों रूपों में भगवान। तो भगवान ने कहा मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मूसा दूसरे दिन उस गडरिये के पास गए, गडरिये के पाँव छुए, गडरिये से क्षमा मांगी, तू मुझे माफ़ कर दे, तेरी हर बात सुनी जाती है, आज भगवान ने मुझे ये सब बताया। लोग जानते थे मूसा बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं। बोले कि आज भगवान ने मुझे सपने बताया, मैं उस गडरिये की हर बात सुनता हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार होती है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। मूसा बोले तेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है, लगातार मुझे तेरी बात लग रही है। ये है माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु। गडरिया प्रसन्न हो गया, पुलकित हो गया, भगवान मेरी बात सुनते हैं। वैसे तो भगवान सबकी सुनते हैं, हृदय की वाणी, गडरिये की बात भगवान ने सुनी, वैसी बात वो कहते हैं मामे वेश्यसी, तू मुझ में वास करेगा, भक्त में भगवान वास करेगा, भक्त भगवान में वास करेगा। एक अंतिम कहानी, राल्फ वाल्डो इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन एक पाश्चात्य कवि हैं, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, तुम लोगों इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ा है। इमर्सन जो है वो इंग्लिश कवि था, राल्फ वाल्डो इमर्सन। उनके गुरु हुए जॉन डेविड थोरो, थोरो एक कवि थे। उनके ऊपर से सांप बिच्छू गुजर जाते थे, किनके ऊपर से, थोरो के ऊपर से, जंगली जानकर उनके आसपास घूमते रहते थे। वो देखो जीवों को, जीव जंतुओं को किसी से कोई डर नहीं लगता, कहीं निकाल लेंगे तो अपने लिए रास्ता भी उनके चेहरे शरीर पे बना देंगे, वो भी डरते नहीं हैं। भगवान आपको डर नहीं लगता, लोग उनसे पूछते थे महाराज आप इस जंगल में रहते हैं आपको डर नहीं लगता, बोले मैं जंगल में नहीं रहता हूँ, मैं तो भगवान में रहता हूँ। जवाब सुनो, मैं जंगल में नहीं रहता हूँ, मैं भगवान में रहता हूँ, भगवान में निवास करता हूँ, मामे वैश्यसी उनमें निवास करता हूँ। ऐसा व्यक्ति अपने चारों ओर भगवान को मानता है, भगवान से घिरा हुआ मानता है, ईश्वरीय चेतना की स्पष्ट अनुभूति करता है, कुछ इसी तरह से स्पष्ट चेतना की, ईश्वरीय चेतना की उसको अनुभूति होती है। हम आकाश को अपने अंदर अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन वायु को सामान्य जीवन में अपने बाहर और अपने अंदर अनुभव करते हैं। क्यों, जब वायु हमको स्पर्श करती है तो हमारे देह में उस ठंडी हवा के छुअन लगती है। अभी ठंड आई नहीं है, आने वाली है, जब ठंड आएगी तब तुमको ठंड लगेगी, इस कांपोगे, स्वेटर पहनोगे और उसके बाद कहोगे ठंड बढ़ गई धीरे धीरे, अरे गर्मी अच्छी थी। जब वायु हमको स्पर्श करती है, गर्म हवा, और गर्म हवा आती है तब छुअन लगती है। भगवान वायु की तरह है, भक्तों को बड़ा साफ सुथरा, बड़ी स्पष्ट रीति से हर पल हर क्षण महसूस होते रहते हैं, केवल एक दो दिन नहीं बल्कि प्रतिक्षण महसूस होते हैं। जादू वायु की तरह, मामे वेश्यसी हवा की तरह, जैसे हमको हवा टच करती है ना, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, हवा हमको स्पर्श करता है, जैसे हवा हमको स्पर्श करती है ऐसे भगवान हमको स्पर्श करते हैं। इस बात को हम कैसे महसूस करते हैं, जब हम कहाँ रहते हैं तो हम कहते हैं हम वायुमंडल में रहते हैं, जलवायु में रहते हैं, हमारे आसपास आर्द्रता महसूस होती है। वातावरण हम क्यों कहते हैं,
वात आवरण, यानी आप कहाँ रहते हैं, वात यानी वायु और आवरण यानी मंडल, इसका आवष्टन आवेष्टन आवरण जिसको हम लपेटे रहते हैं। हम लोग वायु को लपेटे हुए हैं अपने ऊपर, तो हम अपने आसपास वायु को लपेटे रहते हैं। ईश्वर हमारे आचरण में आवरण में रहता है, ईश्वर अंदर ईश्वर बाहर। कोशिश करें सोचने की ईश्वर हमारे अंदर भी है ईश्वर हमारे बाहर भी है। कैसे? जैसे वायु हमारे अंदर ही है, मैं वायु बाहर हूँ। आप सोचते नहीं हो, सोचने का पैसा लगता है क्या? सोचने में क्या दिक्कत आती है? फिर ये सोचो कि भगवान मेरे अंदर है, भगवान मेरे बाहर है, बस सोचो। और सोचने के अलावा महसूस करो, तो महसूस करोगे तो तुमको भगवान। फिर भगवान लास्ट में कहते हैं सत्यम ते, मैंने जो बातें कही हैं बातें बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी गोपनीय हैं, तो इसे सत्य मानना, मजाक मत मानना, मैंने सुना दी तेरे को। तनिक भी झूठ नहीं है। प्रतिजाने, प्रतिजाने का मतलब है ये मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि तू मुझे बहुत प्रिय है। आज जब ये गीता समाप्त हो रही है, उपदेश का क्रम बदल रहा है, मैं तुझे कुछ दो चार सार बातें बता दूँ, इसलिए मैंने बताया। कर्म की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई, भक्ति की बात हो गई, योग की बात हो गई, प्रकृति पुरुष के रहस्य की बात हो गई, मैंने जीवन के सारे रहस्यों का तुझे ज्ञान दे दिया। भगवान 18वें अध्याय में समापन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में जो बात बताई मैंने उसका निष्कर्ष बता दूँ, मैं तुझे सार बताने के लिए जुट गया। शेरविन ने एक पुस्तक लिखी है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना, सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योग। अपने योग को परिभाषित किया दो लाइन में उन्होंने, एक क्रम में उन्होंने कहा लाइफ इज होल, लाइफ इज योगा, होल लाइफ इज योग, लाइफ इज योग। दूसरी लाइन में उन्होंने अपने योग को कहा है, योग कोई कहता है मंत्र योग, कोई कहता है ध्यान योग, कोई कहता है विविध प्रकार के योग हैं। श्री अरविंद कहते हैं मैं तुमको एक योग बताता हूँ, वो है इंटीग्रल योग, पूर्ण योग। तो भगवान ने, श्री अरविंद ने इंटीग्रल योग लिखा, किताब लिखी, किताब मेरे पास भी है, किताब लाइब्रेरी में भी है, उसको भी तुम देखना पढ़ना। पढ़ते नहीं बने तो कोई बात नहीं, मेरे को बताना, मैं उस पर एक क्लास ले लूँगा पूरी पूरी, ठीक है। भगवान आज जो अर्जुन की बात बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो इंटीग्रल योग है। इसमें कर्म है, विचार है, भाव है, सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ घुला मिला कर भगवान कहते हैं इनको तू मेरी तरफ मोड़ दे, मामे वैश्य जी, इनको तू मेरी तरफ मोड़ दे, आज इसी क्षण इसी पल तू मुझ में निवास करे। कहते हैं एक बात है, ये जो पांच चीज़ें हैं इसमें हमें और गहराई समझना पड़े। कौन सी पांच चीज़ें? मन, मन यानी थॉट्स, भाव, भाव यानी इमोशंस, कर्म यानी कि एक्शन, मध्याजी यानी यजन, कर्म यानी फिर हमारा ईगो, और फिर पांचवा अंतिम मुझ में निवास, मुझ में निवास। जो पांच बातें हैं, ये जो मन मन है, मन की गांठ है, ये पांच गांठें हैं हमारे मन में, पांच तरह की गांठें हैं। भगवान ने इन पांच गांठों को खोलने की कृपा की है। ये जो हमारे मन की गांठें हैं, कर्म की गांठ नंबर एक, ये नोट कर सकते हो, कर्म की गांठ, विचारों की गांठ, भावों की गांठ, कर्म की गांठ, विचारों की गांठ, भावों की गांठ, अहंकार की गांठ, और तीस पाँचवीं है अविद्या की गांठ। मालूम ही नहीं है तुमको अपने बारे में, जानकारी नहीं, अविद्या की गांठ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कर्म की गांठ, विचार की गांठ, भावों की गांठ, अहंकार की गांठ, अविद्या की गांठ, पाँच गांठें लगी हुई हैं। इन पांचों गांठों को खोलना है हमें, हमें खोलना है। जब तक जीवन है तब तक, 80-85 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी टाइम है, 10 साल का टाइम है, आप कर सकते हो, खोल सकते हो, जिसको खोलना है खोल सकते हैं, आप भी खोल सकते हैं। गांठों को खोलना संभव है। भगवान बुद्ध ने कपड़ा लिया, बौद्धों में कपड़े को वसन कहते हैं, उसमें पांच गांठें लगाई। उस समय वहाँ सारिपुत्र पहुँचे हुए थे, सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान ने कहा सारिपुत्र ये गांठें तुम खोलोगे,
मैं गांठे में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं खुल रही। भगवान बुद्ध ने कपड़े के दोनों डोर खींचे। सारिपुत्र बोले, भगवान ऐसे कैसे गांठे खुल जाएंगे, आपने तो बांध दिया। नहीं नहीं, भगवान बुद्ध बोले, क्यों नहीं खुलेगी, मैं ताकत तो लगा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ खोलने की, पर नहीं खुल रहा। सारिपुत्र बोले, भगवान ये गांठें जैसे लगाई गई थी वैसी उलट करके ये गांठें खुलेंगी। तो बुद्ध ने कहा सारिपुत्र से, ये तूने समझ ली कैसे खुलेंगी, तो तुम क्यों अटके हुए हो, तुम क्यों अटके हुए हो, जब तुम जानते हो कि कैसे खोलना, तुम क्यों अटके हुए हो। जो गांठें जैसी लगी थी लगाते समय उनको ढीला करके खींचना पड़ेगा। ढीला करिए गांठों को, खींचा करिए, निकल जाएगी। पहली गांठ कर्म की गांठ, दूसरी गांठ विचार की गांठ, तीसरी गांठ भाव की गांठ, चौथी गांठ अहंकार की गांठ, पांचवी गांठ अविद्या की गांठ। कैसे खुलेगी कर्म की गांठ, कैसे खुलेगी? मध्या जी, जब मेरे में यजन करोगे, अभी हमारे कर्म संकीर्णता में, आसक्ति में अटके हुए हैं, गांठें लगी हुई हैं, आसक्ति की गांठें लगी, कामना की गांठें लगी हुई हैं। जब यजन करोगे तो गांठें खुलेंगे, जब सारे कर्मों की धारा मेरी तरफ मोड़ दोगे तो गांठें खुल जाएंगे। कर्म की गांठ खोलने का मतलब है कर्मों को, कर्मों की धारा को ईश्वर की ओर मोड़ देना, कर्मों की धारा को ईश्वर की ओर मोड़ देना। हमने ईश्वर की ओर मोड़ा नहीं अभी तक, ईश्वर तो हमारा खिलौना है। मैं इंग्लैंड में गया था ऐसे कोई दस एक साल पहले, तो वहाँ बहन जी थी, वो बोली, आपको आपके लिए मैं भोजन लगा देती हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ, भगवान भगवान मेरे सोने वाले हैं, उनको सुला के आती हूँ। मैंने कहा, भगवान हैं ऊपर, मैं चलूँ? बोले, नहीं वो वाले भगवान नहीं, मेरा खिलौने वाला भगवान, इनको मैं थोड़ा सा झूलाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो भगवान को झूला झुलाते हैं, वे करते हैं। तो बोले उनको हत्योगी, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा, मैं तो समझता था तुम भगवान को झुलाने जाओगे। भगवान को नहीं, कर्मों की धारा को ईश्वर की ओर मोड़ देना, मतलब ईश्वर यानी उत्कृष्टता, ईश्वर यानी आदर्श, ईश्वर यानी सब कुछ। ईश्वर जब ये मानोगे तब आपको समझ में आएगा। फिर कहते हैं विचारों की गांठ, विचारों में द्वंद्व है, विचारों में परेशानियाँ हैं, खूब सारी परेशानियाँ हैं। हम न जाने कितनी तरह के विचार करते रहते हैं, बिखरे हुए हैं विचार। वो कहते हैं यह अपना मन मुझ में लगा दो, मन की दिशा को मेरी तरफ मोड़ दो, मन की गांठ मेरी ओर मोड़ दो, खुल जाएगी। फिर तीसरी गांठ खोलते हैं भावों की गांठ, मत भक्तो, भावनाओं में जो विक्षोभ है, भावनाओं में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, हर किसी के लिए तो द्वेष माना तुम्हारे मन में, बहुत सारी मलिनताओं को हम पाले हुए हैं, ये सब खोल दो। फिर कहते हैं अहंकार की गांठ, माम नमस्कुरु, मुझे अहंकार झुकना सिखाता है। मैंने आपको बताया था अहंकार झुकना सिखाता है, और करो तो झुकना तो सीखो, संस्कृति सभ्यता झुकने की है। हमारे माँ बाप साथ चलते थे तो पीपल का पेड़ आता था, कहते थे प्रणाम करो, प्रणाम करते थे, मंदिर को प्रणाम करो, मंदिर को प्रणाम करो, भगवान की मूर्ति को प्रणाम करो। संस्कृति में हमारे यहाँ झुकना सिखाते हैं। अहंकार की गांठ बड़ी मजबूत गांठ होती है, इसका खोलना बहुत कठिन। मेरे भगवान ये नहीं हैं, मैं इनको प्रणाम नहीं करूँगा, ये गांठ अहंकार की गांठ, मैं नहीं करूँगा प्रणाम, आपको करना था आप करिए, मेरे तो स्वामी जी हैं, वो गांठ आ रही है ना, बार बार गांठ आ रही है बीच बीच में। सिर झुकाकर नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करना, ये सारी बातें फालतू की बातें, अहंकार की गांठ खोलने के लिए। फिर लास्ट में मैंने बताया अविद्या की गांठ, अविद्या की गांठ कैसे खुलेगी? मामे वैश्यसी, अविद्या में रहो, अविद्या से निकलो और विद्या में रहो। विद्या है जीवन, जीवन जीने की कला, भगवान और बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान, बाहर भी भगवान। जब गोस्वामी जी भरत जी की साधना का वर्णन करते हैं तो कहते हैं जीह नाम जप लोचन नीरू, अर्थात उनकी जीभ तो राम नाम जप रही है पर नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है। जीह नाम जप लोचन नीरू, शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम है, इस तरह उनके हृदय में राम बसते हैं और 14 साल तक बसते रहे।
बस भावनाओं में भी राम छलकते हैं, शरीर में भी रोमावली में राम छलकते हैं। मामे वेशस, यही है वो अविद्या की गांठ, अंतिम गांठ है। जब ये पांचों गांठ खुल जाती हैं तो हमको भगवान मिल जाते हैं। सारिपुत्र ने जब भगवान बुद्ध से कहा कि बात केवल सोचने की नहीं, विचार करने की नहीं है, इस विधि को अपनाने की है, अगर पांचों गांठें खोलनी है तो कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, भगवान बुद्ध ने कहा मनमना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कृ, बस मामे वेशस अंत में। योग में भी चर्चा की गई है, विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन पांच क्लेशों की चर्चा की गई। तुमने योग में पढ़ा होगा ना, मनमना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कृ, और इसी को अलग अलग ढंग से कहा जाए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पांच क्लेश। हमारा जीवन क्रम कठिला हो गया है, काफ़ी गांठे हैं इसमें, हम बहुत बहुत ज़्यादा अहंकार में हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियों में उलझे हुए हैं। सारी गांठें इस विधि से खुल जाएंगी। भगवान अपने इस उपदेश में सार में बता के कहते हैं, सत्यम ते, मैं सच सच बोल रहा हूँ, सामान्य बात नहीं है ये, प्रतिजाने तू इसको कमज़ोर मत जानना, ये बात सत्य है प्रतिजाने, ये बात तू निश्चित रूप से जान ले। और ये जो मैंने गांठ खोलने की बात कही तो पहली बार किसी शास्त्र में वर्णित है, व्यक्तित्व की पांचों गांठें, पांचों के पांचों क्लेश मिटाने के लिए तू एक श्लोक में ऐसी चर्चा, ऐसा महामंत्र, एक श्लोक में ऐसी चर्चा, ऐसा महामंत्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऐसा उपदेश कहीं नहीं मिलेगा। भगवान इसीलिए कहते हैं, मैंने तुझे इसलिए बताया क्योंकि तू मेरा बहुत घनिष्ठ है, यू आर वेरी क्लोज टू मी, यू आर माई रियल डिसाइपल। अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा घनिष्ठ है, तू मेरा बहुत प्रिय है, मैं तुझे गुण बातें बता रहा हूँ, सबको सब बातें नहीं बताता मैं, मैंने तुझे अपना गुणतम उपदेश दिया है। अब ये गांठे खुलने के लिए किस तरह से आगे बढ़ती हैं सब पांचों को बताया। अगले श्लोक में जो चर्चा है, जो मैं कल बताऊंगा, उसमें एक साथ इनको कैसे जोड़ेंगे कल बताएंगे, जोड़ेंगे। आज की बात यही समाप्त करते हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के। ओम यम ब्रह्म वेदा कविदो वदन्ते परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वगते कारण ईश्वरं वा तस्मै नमो वे रुद्रमरुतः श्रुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायन निर्मल मल हारी, निर्मल मल हारी शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा अवभय हारिणी तारिणी, अवभय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते, आशुर भाव
भव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावन हरिमुख के वाणी हरिमुख के वाणी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामिनी श्रुतियों के रानी जय भगवद गीते दया सुधा वरसावनी मातु कृपा की जय मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते। दोनों हाथ वहीं से उठाएं आरती लेने का भाव करें। ॐ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। दोनों हाथ जोड़ करके नमन वंदन वहीं से करें, गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओ नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।